कांग्रेस हाईकमान वालों नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस का प्रधान लाया गया है, नाल चार कार्यकारी प्रधान भी लाए गए हैं। साढ़े इस समय मौजूद ने कांग्रेसी विधायक गुरकीरत कोटली जी, उन्होंने गलबात करते हैं तो जानते हैं कि चैलेंजेस अगे ने नवजोत सिंह सिद्धू वास्ते। कल प्रधानगी अनाउंस हुई है, थोड़े हिसाब न की चैलेंजेस ने, जो सियासी खिचोतान है कांग्रेस खत्म होगी? देखो, चुनौतियाँ भरपूर हुंदा, ये उहदा कोई सौखी गल नहीं हुंदी। कोई समा सी जदों तां कंडियां दा ताज सीगा, जदों अतवाद सी उस समय मेरे स्वर्गवासी दादा जी सर बैंस सिंह जी नूं 1986 च प्रधान बनाया सी कांग्रेस ने, और उन्होंने पंजाब दे लोकां लई लड़ाई लड़ी। 92 सरकार आई और उन्होंने अमन शांति लियांदी, पंजाब नूं तरक्की और खुशहाली दे राह ते तोरिया। सो अज भी जिहड़ियां चुनौतियां बहुत ने, असी नौजवानों लई लड़ाई लड़नी है, असी किसानी का जिहड़ा बहुत वड्डा एक संघर्ष चल रहा असी उस दा हल कढ़ना, व्यापार जिहड़ा वा उसनू होर अगे किवें लैके जाणा, किवें गरीब वर्ग और जिहड़े गरीब लोग ने उहनां दीआं जिहड़े मसले ने उह होर तकड़े होकर हल करिए। हालांकि 4.5 साल च असी बहुत वड्डे पंजाब दे हिक्कां दे लई असी कदम चुके ने। तो नवजोत सिंह सिद्धू जी हुण प्रधान बणे ने, वह भी अपनी कार्यशैली दे नाल कांग्रेस नूं मजबूत करनगे और असी पंजाब दे भखदे मुद्दिआं नूं लोकां तक लैके जावांगे। जिहड़े मुद्दे सरकार बनी सी, भावें बेअदबी ला लो, ड्रग्स ला लो, बेरोजगारी ला लो, वह हजे भी कितना किते पूरे नहीं होए हैगे। 4.5 साल हो गए, जिहड़ी नवीं टीम बनी है, प्रधान सिद्धू बने हैं, चोणां तो पहला समा बहुत घट लगे, तुहानूं लगता है कर पाणगे पूरा कि हुण की फर्क पऊगा? देखो, जिथों तक तो नशे की गल है, उन्होंने असी काफ़ी हद तक असी उन्होंने काबू पा सके हैं। वड्डी जिहड़ी व्यापारियों की चेन तोड़ दिती है, और तुसी देखोगे कि अगर ग्राउंड जीरो ते जाके देखो तां थोनू नशियां दी किते भी कोई गलबात सुनाई नहीं दूगी। और उहदे नाल नाल असी जिहड़े होर मसले ने, गैंगस्टरां नूं असी बंद कीता, उन्हां दा खात्मा कीता, जिहड़ा कि टारगेट किलिंग्स कर रहे सी लोकां च, अमन कानून दी स्थिति नूं लैके बड़ा खदशा सीगा, और 10 सालां दी सरकार च इह गैंग वार जिहड़ी सी उह वधदी जा रही सी। तो साडी 4.5 साल सरकार ने इह जिहड़े काम बंद कीते ने, तरक्की वाले पासे नूं लैके गए आ, आम जिहड़े लोकां दी सुनवाई हुई आ, लोकां दा लोक राज विच विश्वास वधिया। सो कांग्रेस पार्टी ने बड़ा काम किया, होर भी बहुत काम करने वाला। हुण असीं आने वाले 5 सालों लिए जो एक लोगों को विकल्प देवांगे, तो मैनू पूरी आस है कि लोग साढ़े हाँ विच हाँ मिलाउणगे। तो जिहड़े हजे भी कैप्टन साहब तो नवजोत सिंह सिद्धू के विचकार जो डिफरेंसिज ने, कैप्टन साहब ने कहा मैं मिलदा नहीं जब तक मेरे तो माफ़ी नहीं मांगते, फिर किवें पार्टी किवें चलूगी इकट्ठे होकर एकजुट होकर? देखो, अगर कोई माड़ी मोटी गल है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, क्योंकि वड्डे कदावर नेता ने, बजुर्ग ने, मुख्यमंत्री ने, उन्होंने इन्हों गलों पर सारियां माफ़ कर देना चाहिए। पार्टी के वड्डे हितों लिए, पंजाब के वड्डे हितों लिए सारियां इकट्ठे होकर काम करना चाहिए, और मैनू पूरी आस है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, क्योंकि दूर अंदेश नेता ने और वह कांग्रेस का जिहड़ा एक एक जिहड़ा फर्ज उन्होंने हमेशा निभाया, और जिहड़ा अज पार्टी का जिहड़ा आदेश आया उसनों भी मानते हुए वह पार्टी मजबूत करेंगे और सारे इकट्ठे होकर एक मंच से लड़ाई लड़ांगे। गल करिए रवनीत बिट्टू जी की, उन्होंने भी कहा कि सवाल चके सके भी जो टकसाली कांग्रेस है उन्होंने प्रधान बनाना चाहिए, नवजोत सिद्धू के उन्हें कहा कि उन्होंने प्रधान नहीं बनाना चाहिए, वो हजे भी मीटिंग कर रहे थे, जो एमपी की मीटिंग से कैप्टन अमरिंदर सिंह करवाते थे, फिर किवें लैणगे डिसीजन? देखो, जदों पार्टी का कोई फैसला आ जाता, ठीक है, हर बंदा आपकी लॉबिंग करता, हर बंदे दे अपने विचार होंदे ने, पर जदों पार्टी का कोई फैसला आता तो फिर सारे एक ईमानदार और एक सिपाही के तौर पर उसनों मानते हैं। तो सारिया दा मीटिंग कल भी हुई थी ना दिल्ली, जो कैंसल हो गई, चलो अनाउंस कर दिया गया, मीटिंग कल भी हुई थी, फिर 10 एमएलए लिख के भी दिता, उन्होंने इकट्ठे किवें किया जाए? देखो, हुण नियुक्ति तो बाद थोनों इहो जिहियां गल्लां कितें सुनाई नहीं देणगे, सारे यूनाइटेड ही काम करनगे। कितना फायदा होगा नवजोत सिंह सिद्धू के प्रधान बनने तो बाद, जी कांग्रेस तुसी सारे विधायकों दी गल्लां सीगियां वजीरां दी भी सानू पिंडां च जी रवायती पार्टी नूं बढ़न नहीं दिता जाऊगा, हुण उहना फर्क पऊगा? बहुत उत्साह वा पंजाब दे लोकां च, बड़ा उत्साह वा, पार्टी का कारकुन बड़ा मजबूत होया, अपने आप नूं एक चढ़दी कला विच महसूस कर रहे हैं। सो उन्हें भी कल मिले सीगे, की गलबात हुई? नहीं, पंजाब दे भख दे मुद्दिआं ते गल होई आ, और आम बैठ के गल होई आ भी किवें पार्टी नूं होर मजबूत किया जाए, पार्टी का जिहड़ा स्ट्रक्चर आ उस नूं किवें मजबूत किया जाए, ये सारियां गल्लां ते गलबात हुई। प्रो पंजाब टीम नाल जुड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब सी गुरकीरत कोटली जिन्होंने कहा नवजोत सिंह सिद्धू प्रधान बनने तो बाद कांग्रेस नूं बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो जिन्हें भी साढ़े मसले है 4.5 साल वाले हुण वह सुलझदे नज़र आउणगे। तो उन्होंने भी कहा भी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं कोई जो छोटी मोटी गलतियां कदवार लीडर ने जी गलतियां हो जाए लीडर तो आपके पार्टी लीडर माफ़ कर देना चाहिए तो अगे तुरना चाहिए। चंडीगढ़ तो कैमरामैन गुरशरण चीमा नाल मैं शुभकर्मन धालीवाल, प्रो पंजाब टीवी।